आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं कुछ की नींदें उड़ गई हैं और कुछ को सुकून की नींद आज रात जरूर आएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रही लड़ाई दो राजनीतिक परिवारों या फिर एक परिवार के बीच की वो खत्म हो गई है। अखिलेश यादव ने आज अपने आप को और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कयास ये लगाया जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होगा वो ये दोनों राजनीतिक दल एक साथ होकर लड़ेंगे। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। 5 साल बाद दोनों ने एक साथ बैठकर बातचीत की है और दोनों के बीच रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि सवाल यही था कि रिश्ते सही नहीं हैं। लेकिन आज की ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कोई भी मध्यस्थता करने वाला नहीं था, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर रिश्ते कैसे थे और कैसे हो गए हैं। यानी आज अखिलेश यादव खुद अपने घर से निकले और सीधे चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर पर पहुंचे। दोनों के बीच अकेले में बंद कमरे में करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके बाद पार्टी कार्यालय से लेकर के शिवपाल सिंह यादव के आवास के बाहर तक, समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर के शिवपाल सिंह यादव के आवास के बाहर तक दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया था। और जब खबरें निकली तो पता ये चला कि दोनों के बीच गठबंधन की बात तय हो गई और इस बात पर मोहर लगाई है अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने खुद, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया चाचा शिवपाल के साथ अपनी तस्वीर को और कहा कि आज प्रसपा अध्यक्ष से मुलाकात हुई उनके घर पर और उसके बाद गठबंधन को लेकर और 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई और उम्मीद यह है कि हम साथ आएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये लिखा कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद ये अनुमान जो लगाया जा रहा था वो लगभग फाइनल हो गया है कि हम साथ आ जाएंगे। सीटों पर अभी भी बात बनी है या नहीं बनी है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुमान और सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि शिवपाल सिंह यादव ने सीटों को लेकर भी अखिलेश यादव से बात की और शायद 11 सीटों पर, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी है, अभी तक इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, 11 सीटों पर बात भी बन गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 5 सालों से ये लड़ाई चल रही थी। 2016 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी कैबिनेट से शिवपाल सिंह यादव को बाहर कर दिया था और उसके बाद दोनों ही के बीच जो घमासान था वो इस कदर बड़ा हो गया था कि 5 सालों तक दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रयास कई बार किया गया। इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी खड़ी की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसका संगठन मजबूत किया, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, कामयाबी नहीं मिली। विधानसभा के चुनाव के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पुरानी पार्टी से हमारे संबंध बेहतर हो जाएं। और अखिलेश यादव से जब जब बात हुई अभी बीते दिनों, तो उनका भी यही कहना था कि जो आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। तो शिवपाल सिंह यादव से आज उनकी मुलाकात हुई है। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनसे लगातार अखिलेश यादव संपर्क में रहे हैं बीते दिनों, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करी जाए, महान दल की बात की जाए, अन्य राजनीतिक दलों जो कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनसे उनकी मुलाकात रही है, कईयों से गठबंधन भी तय हो गया है। शिवपाल सिंह यादव से बात नहीं बन रही थी ऐसा गलियारे राजनीतिक कह रहे थे, लेकिन आज वो बात भी बन गई और उससे अब ये साफ साबित हो गया कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये दोनों ही राजनीतिक दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपने बड़े भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव के आवास पर भी जाकर मुलाकात की और जो भी बात हुई होगी दोनों के बीच, अखिलेश के बीच और शिवपाल सिंह यादव के बीच, उन बातों के बारे में भी बताया था। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की मध्यस्थता थी और मुलायम सिंह यादव कई दिनों पहले ही चाह रहे थे कि दोनों एक साथ आ जाएं। अभी कुछ दिनों पहले शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान भी दिया था और कहा था
कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बहुत जल्दी बदलने वाला है और वो बदलाव आज देखने को भी मिला। दूसरी तरफ इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में किसकी नींद उड़ गई है ये भी देखना अहम है, क्योंकि जिस तरह से जब ये दोनों अलग हुए थे और बीजेपी से शिवपाल सिंह यादव की करीबियां बढ़ी थी तो अनुमान और कायास था कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, रह रहकर कुछ ऐसे संकेत भी निकल के आए थे, लेकिन उसके बाद अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि दोनों साथ तो नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बीजेपी ने कोशिश बहुत करी थी कि इन दोनों के बीच जो माहौल है वो माहौल बेहतर ना हो और जो सामंजस की स्थिति है वो ना बनने पाए, लेकिन फिलहाल आज सामंजस बन गया। सामंजस की स्थिति पर ही बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में एक दूसरा भी घटनाक्रम है जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आज दूसरा दिन था जहां अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, लेकिन उसके पहले जो विपक्षी दल थे उन्होंने बड़ा हंगामा काटा सड़क से लेकर सदन तक। कारण अजय मिश्रा टेनी, ये कांग्रेसी समाजवादी पार्टी, ये सब सुबह से ही विधानसभा के बाहर सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि लखीमपुर की घटना के बाद अजय, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट में निकलकर भी सामने आ गया है, उसके बाद अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है, और इसी को लेकर के विधानसभा से लेकर बाहर की सड़कों पर कांग्रेसियों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया, पोस्टर लेकर आए थे जिसमें एक जीप बनी थी और जीप पर बीजेपी का झंडा भी था। तो उत्तर प्रदेश में यह चल रहा है कि एक तरफ दो बड़े परिवार जो कभी एक हुआ करते थे फिर अलग हो गए और अब फिर आज एक हो गए, चाचा भतीजे एक बार फिर से एक हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की समस्या जरूर बढ़ेगी क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का अपना वोट बैंक है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए समस्या ये भी है कि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब सब कुछ प्रूफ हो गया है, एसआईटी ने भी बता दिया, तो उसके बावजूद अजय मिश्रा टेनी ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया या फिर उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। और इसके बीच अगर हम बताएं तो अभी कल का ही मामला है जब अजय मिश्रा टेनी से पत्रकारों ने सवाल भी पूछा था तो उस दौरान भी वो भड़क गए थे और कुछ हाथापाई की भी माहौल बन गया था। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और उस दौरान दो बड़े राजनीतिक नेता एक साथ हो गए हैं, अब चुनावी समीकरण क्या होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव टू कॉर्नर हो गया है और जब शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव मिल जाएंगे तो जो दूसरा कॉर्नर है अखिलेश यादव वाला समाजवादी पार्टी वाला वो और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा, बीजेपी का गणित क्या कहता है या बीजेपी इस गठबंधन को किस नजर से देखती है, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो लगातार प्रदर्शन आज किया गया है और कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस विषय पर हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और जो सरकार निरंतर पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है, लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, वो तो आप सब लोगों ने देखा। जब प्रियंका गांधी जी मिलने जाना चाहती हैं, उनको रोक लिया गया, लाकर सीतापुर में बंद कर दिया गया। एक पत्रकार साथी ने नमक रोटी के सवाल को मिर्जापुर के मामले को उठाया था, क्या हुआ याद है आपको, उसको जेल भेज दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जब एसआईटी ने स्पष्ट कर दिया कि हत्या के आरोपी और दोषी पिता और पुत्र हैं, गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा आशीष मिश्रा, तो फिर बर्खास्तगी क्यों नहीं। सावधान, अभी प्रधानमंत्री जी लाइट एक्शन कैमरा में व्यस्त है, जब ब्रांडिंग से और पिक्चर से खाली हो जाएंगे तो फिर शायद उत्तर प्रदेश के और देश के बारे में सोचे। पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह उतावलापन,
मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह जी की जो बैठक आज हुई और शायद गठबंधन होने जा रहा है, अब देखिए दिलचस्प होगा कितने गठबंधन किए जा रहे हैं। अखिलेश जी बड़ी पार्टियों को नहीं ले रहे थे, छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अब ये उनका काम है क्योंकि उनके गठबंधन के घटक एक दूसरे को जोकर की संज्ञा दे रहे हैं। अब ये देखना होगा बड़ा जोकर कौन है उसमें। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों के साथ सबका विकास और सबका विश्वास करते हुए आगे बढ़ रही है। सनातन मूल्यों की रक्षा, सनातन मूल्यों का सनातन संस्कृति का जीर्णोद्धार करते हुए विकास को मुख्य मॉडल बनाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में एक बेहतर व्यवस्था कायम करने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में चुनाव में सबको दिखाएगी कि जो हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा करेगा और जो हमारे साथ विकास का काम करेगा वो है सिर्फ और सिर्फ कर्मयोगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुधीर कुमार सिंह सिद्धू हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जावेद अहमद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ कांग्रेस से हैं और दिलीप यादव हमारे साथ प्रसपा से हैं। आप सभी मेहमानों का आज बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। सबसे पहले मैं सुधीर जी आपके पास आना चाहूँगा। दो मुद्दे हैं जिन पर मैंने शुरुआत भी करी और पूछूंगा भी उसी पर। पहला तो ये कि अजय मिश्रा की टेनी की बर्खास्तगी अभी तक क्यों नहीं हुई है, विपक्ष ये सवाल लगातार पूछ रहा है और आज आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश में सत्र के दौरान और सत्र के विधानसभा के बाहर कांग्रेसियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और ये सवाल आपसे पूछा क्यों नहीं अभी तक बर्खास्तगी हुई। दूसरी चीज, अभी शाम को अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हुई है क्योंकि आप लोग भी काफ़ी कोशिश में लगे थे शिवपाल जी से संपर्क में लेकिन मामला बना नहीं। पहले ओपी राजभर से भी संपर्क में लगे हुए थे लेकिन मामला नहीं बना, अब शिवपाल जी से भी मामला नहीं बना। तो नुकसान हो रहा है और अखिलेश यादव को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये मुलाकात किस नज़र से आप देखते हैं? आपको सादर प्रणाम। जैसा कि आपने पूछा कि माननीय भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी की बर्खास्तगी क्यों नहीं की जा रही, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुद्दा क्यों बार बार उठाया जाता है। आज भी जो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखी होगी, अगर उसको ठीक से देखा होगा तो उन्होंने क्या कहा, उस शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। अच्छा, अजय मिश्रा टेनी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप कहीं पर नहीं किया जा रहा है। बार बार ये मुद्दा ला करके अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो यही मुद्दा इनके पास में, तो ये विपक्ष के लोग जो भी कर रहे हैं हो हल्ला कर रहे हैं उनकी आदत है और उनको लग रहा है कि महीने दो महीने का हो हल्ला उनके पास बचा है, इसके बाद बोलने को उनके पास कुछ बचने वाला नहीं। क्यों ऐसा हल्ला कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा उनके पास में। आज आप चचा भतीजे की बात कर रहे हैं, चचा भतीजे पहले भी थे, पहले चचा थे, भतीजे थे, पिता थे, चाचा थे, सारा पूरा कुनबा एक था, सारा कुनबा मिल बांट करके लूट कर रहा था। अब अलग अलग मिल करके लूट बांट कर रहे थे, अब फिर से मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर लूटपाट की योजना बना रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहता। जनता पूरी तरह से जानती है कि अखिलेश जी और माननीय शिवपाल जी इनका क्या चरित्र है, क्या भविष्य है और क्या ये करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के सरकार में, इसमें कुछ कहने का विषय ही नहीं है। कांग्रेस तो मिली भगत है इन लोगों की। कांग्रेस कह रही कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें सब कुछ प्रूफ हो गया, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई अजय मिश्रा टेनी पर, या फिर उन्होंने जो कहा था कि अगर प्रूफ हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या त्याग जो भी है चीजें, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ ऐसा। कांग्रेस को कितना इसमें मजा मिल रहा है काहे के लिए? देखिए, कांग्रेस को तो अपना अस्तित्व बचाए रखना, विगत लगातार जो देश के अंदर उनकी स्थिति बनती जा रही है, वो अपने आप को चर्चा में बनाए रखें, उसके लिए वो तरह तरह के मुद्दे और तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा। उनके पास में ना तो कोई विषय है, ना तो कोई मुद्दा है और ना तो कोई नेता है। नेतृत्वविहीन कांग्रेस पार्टी के पास में आज कुछ भी नहीं बचा है, वो लुटी पुटी हुई नजर आती है और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। उनके पास में तो प्रश्नों का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि उनको कोई प्रश्न भी नहीं है। अच्छा। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 साल हो गया
उस दो साल इधर चुनाव का हो गया लोकसभा के, उसके बाद से एक बार भी अपने क्षेत्र में जाकर के क्षेत्र के लोगों का हालचाल न जाना हो और उसके जिले की क्या स्थिति है उसको न जाना हो, उसके संसदीय क्षेत्र की क्या स्थिति न जाना हो, ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा देश की जनता कर सकती है, प्रदेश की जनता कर सकती है। ये सब चुनाव का समय है, निकल करके अपना अस्तित्व बचाने के लिए आए हैं। कोई मिल करके बचाना चाहता है, कोई अलग लड़के बचाना चाहता है, किसी को कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही, इस नाते नहीं मिल रहा बचा पा रहा, ये सब आपस में चलेंगे। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, ये महीने दो महीने की बात है, चुनाव होगा, चुनाव परिणाम आने के बाद में जहाँ भारतीय जनता पार्टी 350-450 सीटें लेकर के आएगी, ये फिर 5 साल के लिए, जैसे अभी 4.5 साल बैठे रहे, 5 साल के लिए अब की बार में इनमें से कोई भी निकल करके बाहर नहीं आएगा। कुछ लोग तो अपनी जमानतें जब्त करा करके चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे। सपा कैसे कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 351 सीट जीत जाएंगे। अरे 351 सीटों पर चुनाव लड़ाने की स्थिति में पहले आवे। अच्छा, अभी उनके पास अकेले लड़ने की स्थिति नहीं है। अच्छा। इधर उधर से लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि चाचा तुम आ जाओ, राजभर जी तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ, ढमाके तुम आ जाओ। उनकी तो अकेले स्थिति नहीं बन पा रही है, तो 350 सीटें लेकर के क्या आएंगे वो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जावेद अहमद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। जावेद भाई, सुधीर जी कह रहे हैं कि आप लोग की ऐसी स्थिति नहीं है कि आप लोग अकेले चुनाव लड़े और इसी वजह से गठबंधन ढूंढ ढूंढ के आप लोग पकड़ रहे हैं कि भाई कोई साथ आ जाए ताकि खुद को मजबूत किया जा सके। दूसरी चीज, ये अजय मिश्रा टेनी को लेकर आप लोग इतना बवाल क्यों काटे हैं भाई? ये सुधीर जी कह रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि सब कुछ प्रूफ हो गया है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, खुद को लैमलाइट में रखना, इस वजह से इस मुद्दे को आप लोग बार बार तूल दे रहे हैं। और तब दूसरे पर उंगली उठाए, समाजवादी पार्टी के पास जो है एक एक सीट पर 50-50 उम्मीदवारों के दावे हैं। ये इस मुगालते में और गलत फहमी में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के तो 100 से ज्यादा विधायक जो है सपा के दरवाजे पे खड़े थे आज टिकट मांगने के लिए। तो ये जो दावे हैं ये सब बेकार की बातें हैं। अब आज इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जब 3 महीने चुनाव में रह गए हैं लगभग, अब जनवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा, उस समय इनको बात करनी चाहिए कि हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उस पर हमने कितना काम किया है, हमने किस तरीके का उत्तर प्रदेश को शासन दिया है, हमने नौजवानों बेरोजगारों के लिए क्या किया है, आधे कुपोषित बच्चे उसमें है देश भर, बेटियों के साथ बहनों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले हुए उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री तक जिसमें संलिप्त रहे हैं, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की है। इनके सांसद जो है दुष्कर्म के आरोपी जो कारावास में जिनको अदालत ने दंडित किया है उससे मिलने चले जाते हैं। तो ये जो सब इस तरीके की बातें भ्रामक करते हैं इसका कोई औचित्य नहीं। यहाँ ये बता रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी का कोई दोष नहीं है। अरे अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने अपने पिता से ही प्रेरणा ली, भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा लेकर ही किसानों पर अपनी जीत चढ़ाने का काम किया। अब तो स्पष्ट हो गया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरीके से फटकार लगाई, इसमें 2 FIR की क्या आवश्यकता थी। अब तो इन्हीं के द्वारा गठित की गई SIT के IO ने भी जब कहा और अदालत ने धारा बढ़ाने की अनुमति दे दी, तब आज ये इनका नैतिकता का मापदंड कहाँ है। अगर किसी जगह पर कोई दूसरा परिवार होता विपक्षी दल में और उसके पुत्र ने ये घटना कारित की होती तो उसके पिता का ये इस्तीफा मांग रहे होते। आज ये अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बचाव किस लिए कर रहे हैं? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने क्या किसानों को चेतावनी नहीं दी थी कि 2 मिनट में हम सुधार देंगे? उसी 2 मिनट के सुधार वाले वीडियो के बाद तो ये घटना हुई थी। पत्रकारों के साथ किस तरीके से बौखलाहट में वो कल क्या कर बैठे? तो इनका लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं, संविधान में भी विश्वास नहीं, कानून में भी विश्वास नहीं जी। इनकी योगी जी की पुलिस का जिसके जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी IPS पाटीदार, वो व्यापारी की हत्या कर देता। अच्छा ये बताइए, अभी 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 शाम को मुलाकात हुई है जावेद भाई शिवपाल जी की और अखिलेश जी की,
कितनी सीटों पर बातचीत तय हो रही है लगभग, क्योंकि एक दो सवाल जो है वो कुछ लोग ऑनलाइन पूछ रहे हैं, और उसमें ये है कि अखिलेश जी ने कहा था कि हम 350 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे सपा, उसके अलावा 36 सीटों या 30 सीटों पर बात बन रही है कि आरएलडी को दी जाएंगी, तो 386 सीट ये हो गए, तो बाकी जो 17-18 सीट बची है उसमें ओपी राजभर, शिवपाल सिंह यादव या अन्य छोटे दलों को कैसे क्या एडजस्ट किया जाएगा? देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, इस देश में संविधान, इस देश के महापुरुष, देश की सभ्यता और संसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरीके से घना कोहरा छाया है, किस तरीके से ये सब हाशिए में डाले गए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश की सभ्यता, संस्कृत, अपने महापुरुषों, अपने संविधान को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का पराभव भी शुरू होगा। ये सत्ता के लिए गठबंधन नहीं है, और सीटों का जो गठबंधन में दल है वहां सीटों का एडजस्टमेंट बहुत शालीनता के साथ, बड़े शिष्टाचार के साथ हो जाएगा, यहाँ पर कोई मारामारी नहीं है। ये सुधीर जी हंस कह रहे हैं आपकी हर बात पे, ये सुधीर जी बीजेपी से बैठे हैं हर बात पे हंस रहे हैं आप, ये हंसते रहे, इनके ये जोकर लोग हैं, मदारी लोग हैं। अच्छा। इन्होंने मदारी बनकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन चलाया है, इन्होंने चाहे वो अदल रहा हो, उस समय भी ये अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे थे, एक एक चिता पर जब 300 जल रहे थे तो इनको इस देश की सभ्यता और संस्कृत का भान नहीं था, ये सिमिलरिटी और इक्वालिटी को नहीं जानते, ये संविधान को नहीं जानते, इनको तो अभी ये भी नहीं पता। प्लीज प्लीज एक एक करके मैं आऊंगा, सनातन धर्मी है, ठीक है जावेद भाई, ठीक है, ये बड़े धर्म की बात करते हैं, किस तरीके से गंगा में स्नान कर रहे थे, सनातन धर्म के विपरीत इन्होंने पूरा काम किया, सनातन धर्म में कमर के ऊपर कपड़ा पहन के कभी भी किसी भी तीर्थ स्थल पर या किसी नदी में, चाहे वो माँ गंगा हो, चाहे सरजू हो, चाहे नर्मदा हो, मंदाकिनी हो, कभी भी स्नान नहीं किया जाता। उन्होंने उसको भी, धर्म को भी जो है चुनौती दे डाली, और धर्म के विपरीत गंगा स्नान किया, लड़का भी रहे थे, ठीक है, और ये भी देख रहे थे कि शायद कपड़े इसलिए पहने कि जिस माँ गंगा से स्वच्छता का वादा किया था उसका जल आचमन के लायक नहीं है, ठीक, लेकिन अपने भाई, ठीक है। के लिए उन्होंने इस तरीके की घटना की। ये तो हतोड़ लोग हैं, इनको तो शर्म भी नहीं है, बेशर्म लोग हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई है। रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी मैंने अजय मिश्रा टेनी के सवाल पर, जब बीजेपी के नेता जो हमारे साथ बैठे हुए सुधीर जी, उनसे मैंने बात की, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस बेफिजूल हल्ला मचाए हुए हैं, उनके खुद के सांसद अपने क्षेत्रों में नहीं जाते हैं और वो आए हैं इतने विरोध करने के लिए अजय मिश्रा टेनी के सवाल पर, तो क्या दिक्कत है आप लोगों की, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और लगभग सभी राजनीतिक दल, चाहे हम सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन करने में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों की गतिविधि बिल्कुल भी रुकी सी हुई है, तो क्या कुछ अलग सा प्लान आप लोगों ने बनाया हुआ है, या फिर जो संकल्प आप लोगों ने लिया है साथ, आप अपनी जो शर्तें आप लोगों ने रखी हैं जनता के सामने कि हम आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को देंगे, उसी पर काम करते रहेंगे आप लोग? देखिए, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, यह जगह आंदोलन सिर्फ इसलिए चल रहा है कि अगर नॉर्मल इंसान भी किसी पशु पक्षी को भी अपनी गाड़ी से अगर कुचल देता है तो वो कहीं ना कहीं हत्यारा होता है, और अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने दिन दहाड़े 8 किसानों की हत्या की अपनी जीप से कुचल कर, और न जाने कितने किसान घायल हुए, वो वीडियो हर इंसान के फोन में है, और अभी तक वो मंत्री पद पे बरकरार हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही मुमकिन है। भाजपा जहां ये नारे लगाती है कि जब से भाजपा आई है तब से उत्तर प्रदेश में अपराधी कम हो गए हैं, दूरबीन लेके भी देखने पे अपराधी नहीं मिलते, 16 साल की लड़कियां गहने ला के घूम सकती हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हजारों लोगों के सामने ये घोषणा की थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सारे के सारे अपराधी जब भाजपा में ही शामिल हो जाएंगे तो दूरबीन लेके अगर वो जनता में ढूंढेंगे तो वो कहाँ से मिलेंगे? आजकल तो एक ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको गोरा होना है तो फेयर एंड लवली लगा लीजिए, और अगर आप दूध के धुले हुए नहीं है,
अपराधी हैं और अपराध से भरे हुए हैं तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए। भाजपा में शामिल होते ही आपके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो भाजपा में 116 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, 116 सांसदों के ऊपर मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं और महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के भी केसेस हैं। तो भाजपा अगर ये नारे देगी कि गुंडा राज मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं, तो सारे के सारे अपराधी वही हैं। अभी तक इन्होंने अपने मंत्री को अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया है। उनका बेटा प्रूफ हो चुका है कि उसने इतना बड़ा अपराध किया है, उसने 8 किसानों की मृत्यु की है और न जाने कितने घायल हुए हैं उसी की जीप से कुछ लाकर। तो अभी तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त न करके भाजपा ये प्रूफ कर रही है कि वो अपराधियों को शरण देती है और सारे के सारे अपराधी भाजपा में हैं। अगर इन्होंने अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर दिया होता तो हम लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, ठीक है, धरना नहीं देना पड़ता। इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं? अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया है। ठीक है रोशनी जी, इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जितने भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हैं वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके संपर्क में हैं, गठबंधन कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए, सपा की बात की जाए, आप लोगों की तरफ से अभी तक कुछ इस प्रकार का कोई कदम नहीं है? क्या आप लोगों के पास कोई आ नहीं रहा है या आप लोग किसी को रखना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जितनी बार भी हम लोगों ने गठबंधन किया है, गठबंधन की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कमजोर किया है। और इस बार हम लोगों ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वो घर घर तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ है, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान, बिजली बिल। शिवपाल जी और अखिलेश जी की मुलाकात के बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये लोग चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव अभी सर पे है, अभी कौन किसके साथ गठबंधन कर देगा, कौन किसके पैरों में गिर जाएगा। और जिस तरह से मोदी जी ने किसानों के 3 पैरों में गिर जाएगा, मतलब कोई पैरों में गिरा है क्या किसी के? अरे आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। मोदी जी ने जिस तरह से काले बिल वापस किए, 1 साल किसान आंदोलन चला, 700 ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई, वो क्या था? वो चुनाव के लिए ही था। चुनाव सर पे है और भाजपा को बहुत अच्छे से मालूम है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान उन्हें बिल्कुल भी वोट नहीं देने वाले, इसलिए उन्होंने 3 काले बिल वापस किए। 1 साल तक धूप छांव ठंडी बरसात सब झेला किसानों ने और उसके बाद 3 काले बिल वापस हुए। ऐसी तानाशाह सरकार तो मैंने आज तक नहीं देखी अपने जीवन काल में। ठीक है, ये हिटलर शाही है और इस हिटलर शाही का 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिल जाएगा सबूत कि उनकी हिटलर शाही का क्या सबक मिला। ठीक है रोशनी जी, ठीक। 2022 में पहले तो जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हर स्टेट से हारने वाली है भाजपा और 2024 में केंद्र से भी जाने वाली है भाजपा। ठीक है सुधीर जी, मैं आऊंगा इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। दिलीप जी हमारे साथ है, मैं आऊंगा। आप सबका लिख लीजिए, मैं एक बार में सबके जवाब आपसे लूंगा। दिलीप यादव हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आज मुलाकात हुई शिवपाल जी और अखिलेश जी की, क्या मुलाकात रही, क्या निर्णय निकला? क्योंकि ट्वीट करके बताया तो गया कि गठबंधन पर चर्चा हुई है, तो क्या गठबंधन फाइनल हो गया? और दूसरी चीज, कितनी सीटों पर आप लोग मान गए हैं? क्योंकि सवाल वहां पर यही है, क्योंकि 350 सीटों पर अखिलेश यादव ने कहा था, और कितनी सीटें आप लोगों को दी जा रही हैं ये एक सवाल है। दूसरी चीज, बीजेपी साफ तौर पर अभी भी इस बात को कह रही है, क्योंकि अभी आपने सुना आपके बगल में ही बैठे हुए हैं बीजेपी के हमारे जो मेहमान हैं, उनका साफ तौर पर इस बात को कहना है कि पहले अकेले लूट रहे थे, पहले एक साथ लूट रहे थे, फिर अकेले के लिए लूट रहे थे, अब फिर एक साथ आ गए हैं लूटने के लिए। जी नितिन जी, सबसे पहला तो हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों की मुलाकात हुई और ये बहुत ही शुभ संकेत है कि आगे जो है 2022 के चुनाव में हम जो है आगे जा रहे हैं। और रही बात कि जो आपने कहा कि क्या सीटों का बंटवारा, हम भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी जो है उसके लिए कुछ भी जो है त्याग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम ऐसे समस्त जो है देश में जो है जो भी भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जो है सांप्रदायिक रूप से जुड़ा हुआ है,
उन सभी का बहिष्कार करते हैं और उनको जो है 2022 में जो है इस उत्तर प्रदेश से मुक्त कराना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो है दोनों नेताओं का जो है साथ में जो है आज औपचारिक मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई है। रही बात सीटों के बंटवारे का बात है, वो राष्ट्रीय स्तर की बात है, वो हमारे दोनों नेता जो है मिलके आपस में तय करेंगे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है दरअसल हर मुद्दे पे फेल हुई है। अच्छा, क्या ये मुलाकात से भी कुछ बौखलाए हैं क्या ये लोग? डेफिनेटली बहुत तगड़ा बौखलाए हैं, क्योंकि जो है अभी देखिए बौखलाहट में जो है इन्होंने किसानों के जो है 700 हत्याएं करके भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पूरे देश में जो है 700 किसानों की जो है हत्या किया है, जो कि किसान विरोधी बिल को लेके। तो आनंद फानन में इन्होंने जो है मैनेज के जो है किसानों को रुख मोड़ने के लिए मैनेज किया है कि किसान बिल वापस ले लें, जबकि वो जो है अभी संसद में जो है वो लीगल रूप में जो है हुआ नहीं है। महोदय आप शांत रहें, नहीं नहीं बीच में ना, बीच में नहीं नहीं, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि वो जो है टांग अड़ाते हैं, कहीं भी जो है कोई बात आदमी कहना चाहे तो उसको कहने नहीं देना चाहते, उसी में उलझाना चाहते हैं। महोदय हमने आपको जो है पूरी तरह से सुना है और लोगों को भी सुना है, कृपया शांति बनाए रखें और सुने। रही बात भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे विफल हुई है, उत्तर प्रदेश में जो है बलात्कार, बेरोजगारी, इनके जो है आए दिन 2017 से सरकार में है, इन्होंने सारी परीक्षाएं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के पेपर जो है लीक हुए हैं। इन्होंने जो है आनंद फानन में हाथरस की बेटी के साथ जो है अन्याय किया, जो है ला के जो है लाश को जो है जला दिया। इनके ही सरकार में जो है किसानों के साथ जो है इतनी निर्ममता से जो है हत्या की जाती है। इनके जो है गृह राज्य मंत्री, देश के जो है गृह राज्य मंत्री जो है लखीमपुर खीरी में जो है इनके बेटे जो है गाड़ियों किसानों को जो है रोक देते हैं। जबकि एक चीज और आपको बताएं, ये टेनी टेनी महाराज जो है 5 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में जो है 143, 523, 504, 324 के जो है मुकदमे इनके ऊपर जो है लगाए गए थे, उसके जो है मुलजिम थे। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, सन 2000 में वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है उत्तर प्रदेश के जो है गृह सचिव से जो है एक लेटर भेजा था कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई भी नहीं की गई। इन्होंने जो है अपने बेटे को जो है बचाने के लिए अभी कल ही जो है लोगों से जो है पत्रकारों से भी जो तूतू मैं की और लोग अलग लोगों से भी तूतू मैं की। इनका बेटा जो है जब एसआईटी गठित हुई सारी चीजें क्लियर हो चुकी, एसआईटी ने 307 हत्या का मुकदमा चलाने के लिए जो है कहा है, तो वो क्यों नहीं करते? इसका मतलब कि जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल और जो है हत्यारों को बचाने की जो है कोशिश कर रही है। अगर कोई दूसरा पार्टी का होता, दूसरी पार्टी के लोग होते या एक आम जनता होता, उसके घर पे ये बुलडोजर चला देते। इनके जो है कथनी और करनी में एकदम अंतर है। 5 साल की सरकार में इन्होंने जो है सिर्फ दुर्व्यवस्थाएं दी हैं, इन्होंने जो है पूरे प्रदेश को लूटा है, देश को लूटा है। 2014 से देश को लूट रहे हैं, सारे संस्थाओं को बेच दिए हैं, निजीकरण कर दिया है और उत्तर प्रदेश को भी जो है खोखला कर दिया है। किसानों की बात मैं करूंगा, जो है जेवर एयरपोर्ट की बात, ये जो है फोटो लगाते हैं बाहर के, दूसरे देशों के जो है एयरपोर्ट की जो है फोटो लगाते हैं, वहां के किसानों का जो सर्किल रेट है। महोदय आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण एरिया के जो है जितने भी किसानों के मुआवजे होते हैं 4 गुने होते हैं। जेवर एयरपोर्ट के एरिया के जो भी किसान, जो भी गांव आते, 26 गांव आते हैं, उन किसानों को सिर्फ 2 गुना जो है मुआवजा दिया जा रहा है। ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है, ठीक है। इनके कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, सिर्फ हिंदुत्व की बातें करते हैं। अच्छा, धर्म सभी के साथ है, हम भी धर्मावलंबी हैं, हम भी धर्म को मानते हैं, लेकिन दूसरे पे जो है दंगा करा के या जो है सांप्रदायिक होके नहीं काम करते। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, उसका जल्दी से जवाब भी दीजिएगा, कि कुछ सपा के नेता थे और कुछ प्रसपा के नेता थे जिनकी आपस में नहीं बन रही थी, और सपा के कुछ नेताओं पर और प्रसपा के कुछ नेताओं पर मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे, क्या उनके बीच भी बात बन जाएगी? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, हमने आपसे कहा सभी को जो है समायोजित किया जाएगा, सभी को जो है सम्मान मिलेगा, ठीक है, चाहे हमारी पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी के आए लोग भी जो है हैं, उनके साथ जो है सभी के साथ इंसाफ किया जाए, ठीक है। सुधीर जी आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, अब बोलिए। नहीं नहीं हमने बोला नहीं, हमने दो चीजें थी, एक तो कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने
प्रियंका गांधी को अपना लीडर लीडर बना दिया, कह दिया प्रियंका गांधी हमारी नेता है, लीडर है तो लीडर बना दिया। अब सोनिया और राहुल क्या करेंगे? अरे तो यूपी की महासचिव है प्रियंका गांधी। तय कर लेना कि इसमें नेता कौन, नेता तो एक होता है ना, तो ये तय करना पड़ेगा पहले इनको, सोनिया नेता है क्या, अभी तो कई सारे राहुल जी नेता है प्रियंका ने, हमारे यहाँ नेता केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है जो हमारे लीडर है, बाकी हमारे लोग हैं आदरणीय सम्मानी सब नेता है, उनका अलग अलग सम्मान है, लेकिन देश का नेतृत्व तो देश का नेता तो एक ही है प्रधानमंत्री मोदी, और उत्तर प्रदेश का एक ही नेता है। तो उन्होंने प्रियंका गांधी को मान लिया तो आपको क्या लगता है? हमें को नहीं लगा, हम तो चाहते हैं कि मान लिया सोनिया जी को राहुल जी को छुट्टी दे दी जाए, उनको कमान दे देने से थोड़ी ना छुट्टी दे देंगे, हमने कहा ये सुझाव मेरा है, मानना ना मानना उनका काम होता है। दूसरी चीज अभी देखिए हमारे साथी दिलीप जी कह रहे थे हिंदू हिंदू, भाई हिंदू तो है ही है, हिंदू राष्ट्र भाई हिंदू जी कुछ कह रही है, हमारी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का इतिहास हजारों हजारों साल पुराना है, तो हम तो है ही है भाई, हम तो सनातन धर्म को मानकर वाले चलने वाले हैं, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी पहचान है भगवान राम का मंदिर, हमारी पहचान है कृष्ण जन्मभूमि, हमारी पहचान है रामेश्वरम, तो हमारी तो पहचान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलिए रोशनी जी। जी जी बताए, आप नेता तय कर लीजिए पालिएगा, पहले नेता तय कर लीजिए तब बोलिएगा। सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आपके नेता हैं तो बाकी सबको छुट्टी पे चले जाना चाहिए, जैसे आप हमारे कांग्रेस के नेताओं को छुट्टी पे भेज रहे हैं। हमने छुट्टी पे नहीं भेजा है, हमने कहा ये तय करो कि नेता कौन है, हमारा भारत का नेता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ। नेताओं को छुट्टी पे चले जाना चाहिए कि नहीं चले जाना चाहिए, मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए प्लीज। हमें उत्तर आप क्यों दे, हमने कहा आप नेता तय कर लो तो बताना हमको, पहले नेता तय कर लो तो बताना। अरे आपके हिसाब से जो दो नेता है बाकी कोई नेता है आपकी नजर में नहीं है ना, भाजपा में सिर्फ दो नेता है आपकी नजर में, तो बाकी सब नेताओं को छुट्टी पे भेज दीजिए। हमने आपसे ये कहा कि आपके यहाँ नेता कौन है तय करिए, नेता वो होता है। अरे हमारे नेता तो है जो है उन्होंने तय कर लिया है, आपकी नजर में भाजपा नहीं, आप देश की बात कर रहे थे, आप देश और प्रदेश की, आप देश और प्रदेश की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं और प्रदेश के नेता हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, आपने तो उनको ऑल इंडिया नेता बना दिया ना, नहीं आप तय कर लो, वो तो घर परिवार की बात है, अरे चाहे माँ हो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इसके अलावा तो आपके पास है नहीं, हमारे पास तो बहुसंख्या में लोग हैं, आपके पास परिवार के अलावा कुछ है नहीं, ना आपके पास परिवार के अलावा कुछ है, ना समाजवादी पार्टी के पास में कुछ है, ना बसपा के पास में कुछ है, सब लोग एक परिवार मिलकर के और पूरा देश और प्रदेश चलाना चाहते हो, अडानी के घर है ना, पूरा प्रदेश चलाना चाहते हो, पूरा देश चलाना चाहते हो, एक घर परिवार से निकल करके बाहर आने की हिम्मत ही आप में नहीं है, आप लोग केवल केवल गांधी को बेच करके, गांधी के नाम को बेच करके और गांधी की संस्कृति को भी नहीं मानते हो और अपनी राजनीति चलाना चाहते हो, एक ही देश के अंदर एक ही प्रदेश के अंदर रहोगे, कोई प्रदेश का नेता बन जाएगा, कोई देश का नेता बन जाएगा, कोई राष्ट्रीय पार्टी बना लेगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी बना लेगा, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलने वाला है, चिंता मत करें। परिवार छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, वैसे हमारे नेता भी अपना घर परिवार, हम लोग साधु सन्यासी लोग हैं और देश के लिए और धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते हैं 24 घंटा। जावेद भाई आ रहा हूँ आपके पास, हमेशा तैयार। जावेद भाई आ रहा हूँ, ये नहीं होता करके कोई अपने पिता को छोड़ दे, कोई अपने वन बाई वन। जावेद भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जावेद भाई, फिर बोलिएगा। आपको क्या है, आपके परिवार में कोई है ही नहीं है, अब कांग्रेस ने कोई नेता बचा ही नहीं है, एक घर बचा है उसी की देहरी पे सर पटक पटक के आप लोग काम करो, क्या करोगे आने वाले समय में 2022 में आपको पता चल जाएगा कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें भी नहीं आने वाली है, नोट कर लीजिए इसको, जसवाली 5 सीटें भी नहीं आएंगी, 5 सीटें, अरे हम चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए और आप देश के प्रधानमंत्री बनते बनते आने वाले समय में कहाँ तक आने वाले हो उसको देखना, आप तो सीधे प्रधानमंत्री बने थे ना, आप आज की स्थिति क्या है, हम तो चाय ठीक है प्लीज प्रधानमंत्री बन गए, प्लीज ठीक है। जावेद भाई क्या कह रहे थे, ये है न्यू इंडिया, इसीलिए आप फेयर एंड लवली की बात कर रही थी, संसद में बैठे प्रचार प्रचार भी कर रही है, इसी माध्यम से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो निर्वंशी हो जाए उसको कभी सत्ता के सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए, क्या देश की सभ्यता और संस्कृत का बड़ा बखान करने वाले, उसका झंडा बरदार बनने वाले
क्या आज कहेंगे कि हम आचार चालक को रिजेक्ट करते, आचार चालक चालक को रिजेक्ट कर दे, उसके बाद ये सभ्यता और संस्कृत की बात करें? किसके? अरे निर्दलीय होंगे आपकी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1,35,00,000 जनता है, 1,25,00,000 जनता है, जो उनकी पुत्र है, उनकी बेटी है, उनकी बेटी है, उनकी बहू है। आपको क्या पता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने देश को अपना मानता है, हमारा मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को अपना मानता है। आपको क्या पता है? निर्वस्त्र हो गया मैंग्रो लैंग्वेज, मैंग्रो लैंग्वेज, झूठे मक्कार लोग, धूर्त लोग, मक्कारों की जिंदगी जीते हैं। अरे आप जीते हो, पशुओं की जिंदगी है आप लोगों की, इसीलिए राज्य के हाथ से मैच छीन लिया जाता है। एक बेटा अपने बाप के हाथ से मैच छीन लेता है, एक बेटा अपने बाप को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा देता है, एक बेटा अपने चाचा को अपनी गद्दी से हटा देता है। पहले घर के झगड़े संभालो, पहले अपने घर के झगड़े संभालो, बलराम माधव के साथ पहले घर के झगड़े संभालो। अपने देश और प्रदेश की राजनीति क्या करोगे? आने वाला समय बताएगा। दो दहाई नहीं पहुंचोगे, दो दहाई चाहे चाचा भतीजे ने कुछ भी मिल लो। वो शाहजहांपुर का वो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, अपना घर देखो, पहले अपना घर, तेल मालिश कराता है, अपना घर देखो, अपना घर, अपना परिवार, और जो जैसा कर रहा है उसको मिल रहा है। आजम खान जी आज आराम से जेल के अंदर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आने वाला समय यही रहेगा, इसी तरह हरकते रहेंगे तो आपके भी वैसी हालत होगी। वो एक भाजपा का विधायक जेल काट रहा है, कुलदीप से एक काट रहा है। अरे जिसका फोटो लगाते हो वही जेल में तुम्हारा है। जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो भी जेल जाएगा। एक सुरेंद्र सिंह वो हत्यारे को बचा रहा था वो भी जेल जाएगा। सपने देखना बंद करो। अरे सपने देखना नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर नहीं आने वाले हो, कहीं पर बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ठीक है प्लीज, अब आप उत्तर प्रदेश के दर्शन नहीं कर पाओगे, चाहे चाचा भतीजे भाई भतीजे कोई मिलो, पूरा खानदान पूरा कुटुंबा हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 सीटों का भी आंकड़ा पार नहीं करेगी। ठीक है आने वाला वक्त, ठीक है प्लीज, हो गया जावेद भाई। टपोरी और टपोरी टपोरी और पूरी राजनीति भाजपा की टपोरी। अरे ऐसी लैंग्वेज ना यूज करिए भाई आप लोग, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते। अरे इनकी लैंग्वेज क्या, इनके पास क्या है? तो अपने माँ बाप से ऐसे बात करते होंगे? अरे तुम तुम करके प्लीज, ऐसे नहीं प्लीज, माँ बाप से ऐसे बात करते, एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए। अरे तुम कैसे बात करते हो? आप होंगे आपकी पार्टी होगी। अरे तुम्हारे अंदर संस्कार होता तो जवाब प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए, एक दूसरे के सम्मान रखिए प्लीज प्लीज। हाँ दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जावेद भाई मैं आ रहा हूँ प्लीज, एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए, एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए, एक दूसरे के लिए सम्मान रखिए प्लीज। जनता भरका बना देगी, भारतीय जनता पार्टी इतिहास का विषय बन जाएगी। बिल्कुल इतिहास का दीपक, दीपक से लेके चली थी और इतिहास बनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, दीपक लेके चली थी और इतिहास बनी है। आने वाले समय में इतिहास बनेगी और इतिहास के पन्नों में समाजवादी पार्टी कहीं नाम और निशान नहीं रहेगा। इतिहास का वो विषय, बिल्कुल इतिहास है। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद आपको, धन्यवाद धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्लीज प्लीज, जावेद भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जावेद। हाँ दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। हमारे बीजेपी के माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है हमारे नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, बहुत सही कहा आपने, और उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी हैं, ये भी बात सही है, मानते हैं बहुत अच्छी तरीके, हम लोग मानते हैं और जानते भी हैं। आप देखिए इनके पास जो है 47 पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन इनका नेता मात्र जो है नरेंद्र दामोदर दाव मोदी जी हैं। क्या कहना चाहते हैं? बाकी 47 पार्टियों के कुछ नहीं है? आप सुने, बाकी लोगों का जो है कोई अस्तित्व नहीं, यही अच्छा। हाल जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में इनके कई गठबंधन है, कई जो है पार्टियों के जो है गठबंधन है, सरकार में भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन किसी भी मंत्री का कोई वजूद नहीं है, कोई राइट नहीं है, सिर्फ एक जो है जो ऑफिशियल मैं कहूंगा कि क्लर्कियल के हिसाब से जो है काम होता है। मैं खुद जो है, मेरे कई दोस्त मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे साथ पढ़े,
हैं लेकिन जो है कोई काम के नहीं है। सारा काम जो है सारा का सुधीर जी सुन लें, सारा काम जो है दूसरे लोग करते हैं, कहीं ऊपर से जो है ऑर्डर आता है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान में विश्वास नहीं रखती। अगर संविधान में विश्वास रखती और संवैधानिक पार्टी होती तो एक छत्र जो है इनका कहना जो है जो कह रहे हैं कि मेरे एक ही नेता है देश में और उत्तर प्रदेश में, तो ये बातें नहीं होती। सारे के सारे लोगों को जो है हिस्सेदारी मिलती, धर्म और जाति से ऊपर उठ के जो है सबको जो हिस्सेदारी मिलती। ये लोगों को तोड़ तोड़ के जातियों के आधार पर सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि जो है हम संवैधानिक पार्टी हैं। आपको एक चीज और बताएं, इनका गुरूर ये कह रहे हैं कि 25 सीटों से कम नहीं, मतलब ज्यादा नहीं आएगी। डेफिनेटली इनका गुरूर जो है वो ईवीएम का गुरूर है। ये सत्ता के नशे में है, इनके पास जो है सारी चीजें हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सभी चीजें इनके पास है। ये कोई भी चीजों को जो है दुरुपयोग करने में कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए हम सभी को, जितने भी जो है इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले लोग हैं, एक साथ आए और ऐसे जो है सरकार को उखाड़ कर जो है बाहर फेंके, जिससे जो है जनता की बदहाली बेहाली जो है उसको दूर किया जा सके। और कह रहे थे चाचा भतीजे की बात, आपके यहां भी तो जो है बड़े से परिवार हैं, सारे राजनाथ सिंह हैं, उनका बेटा जो है आपके जो है कल्याण सिंह जो है जी थे, उनका बेटा जो है राजनीति में है, आपके यहां भी परिवारवाद की जो है लंबी फेरिस्त है। गिनाने बैठेंगे महोदय तो शाम हो जाएगा लेकिन जो है कम नहीं होंगे। तो इसलिए आप अपनी कथनी और करनी में जो है ध्यान दें, जो कहें वही सत्य हो वही बोलें। और दूसरी बात एक चीज और बता दें कि आप कहते हैं कि गुंडों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, अभी हमारी जो है एक तो प्रवक्ता, मैं बता रहा हूं, आपने खुद ही सुन ले, नहीं आप एक सवाल में कहा हो महोदय, आपकी पार्टी पूरी कहती है बहुत ही सौभाग्यवादी है। हमारी अभी अभी कह रहे थे कि पहले दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे थे, बाद में अकेले कर 11 सांसदों को जो है पार्टी, ये 2017 से पहले 2014 में 2019 में गुंडों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, सारे गुंडे जो है इनकी फौज में खड़े हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी के जो है फौज में खड़े हैं सारे गुंडे। इन्होंने विधायक बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, कैसे कह सकते हैं ये बात, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो चाहे अन्य कोई भी हो, सारे सारे गुंडे जो है देश के, पूरे देश के गुंडे जो है इनकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। गुंडों को हटा के हम लोग आए महोदय, कहना चाहते हैं ना, सारे जो है सारे भ्रष्टाचारी, सारे गुंडे आपके यहाँ दूध के धुले, आप जो है दूध से नहला देते हैं, गंगा जल से नहला के उनको पवित्र कर देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है, गंगा जल से लोग पवित्र होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं हिंदू धर्म में जो है आस्था रखता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोशनी जी मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, ये सुधीर जी को बुरा क्यों लग गया अगर आपने प्रियंका गांधी को अपना नेता कह दिया तो? सुधीर जी अपने पार्टी के नेताओं में पहले तो फर्क नहीं कर पाते हैं कि ये अपने पार्टी में सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को नेता मानते हैं या फिर इनके जो विधायक और सांसद जो चुने हुए हैं उनके नजर में जब उनकी कोई इज्जत नहीं है तो फिर वो दूसरी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी में अगर हम किसी को नेता बोल देंगे तो उनसे तो इनको दिक्कत होगी ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा अपने आप को बहुत ही बड़ी हिंदू की मतलब हितैषी मानती है और यही हर भाषण में बोलती है कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, हिंदू धर्म है, अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। जबकि सच ये है कि सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी वाले ही हैं। सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सबसे ज्यादा हिंदुओं के व्यापार ठप हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। अच्छा, आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जो कि हिंदू है, सबसे ज्यादा किसानों के साथ अत्याचार हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो हिंदुओं की सबसे बड़ी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है और हर बार इनसे बेरोजगारी की बात करिए तो ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, आप हिंदू ही ऐसी हैं, इनसे महंगाई की बात करिए, आप मानते हैं कि भाजपा ने मुसलमानों का नुकसान नहीं किया है, इनसे कहिए कि आपका मानना है कि भाजपा ने मुसलमानों का नुकसान नहीं किया, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। आपने कहा ना
कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का नुकसान कर रही है, यानी कि मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रही है, ये मानती है ना जयसवाल जी? आप ये मान नहीं ना कि भाजपा के शासनकाल में मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है ना? ये मानती है ना आप? जीत रहे हैं आप, ये मानती नहीं मानती? गलत है, भाजपा की पार्टी के शासनकाल में मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय मानती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? सबकी बातें सुनी आपने। नितिन जी, चाहे जितनी बातें हो जाए, चाहे जिस तरीके की बात हो, अगर सत्ता जन कल्याण के मुद्दे पर विफल रही है तो जनता उसको निश्चित रूप से सबक सिखाती है। आप किसी भी आवरण के पीछे छिपने का काम करें, आप चाहे धार्मिक आस्था को निचोड़ने का और उसको धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों का शोषण और दोहन करने का काम करें, आप किसकी चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आड़ में छिपे, चाहे आप जो है विराट हृदय के मालिक भगवान शिव की आड़ में छिपे, चाहे प्यार बांटने के देवता भगवान कृष्ण की आड़ के पीछे छिपे, जनता सब जानती है। इस देश के अंदर 99% लोग धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, 1% होंगे जिनका अपनी धार्मिक आस्था नहीं होगी, नास्तिक होंगे या किसी धर्म को नहीं मानते होंगे, लेकिन राजनीति जब धर्म का शोषण करेगी तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, ये विश्व का इतिहास है कि वो लोग सत्ता में रहते हुए असफल हुए, नाकाम हुए। अटल जी के सरकार से लेकर आज तक देख लीजिए, ताबूत कांड से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर हृदय रोगियों की नकली दवाएं मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने खरीद ली, SIT जांच की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, आज तक SIT का गठन को छोड़ दीजिए, आज तक सप्लाई दवा सप्लाई करने वाली फर्म को ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया। नैतिकता के झंडा बरदार आज ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करेंगे या उनका इस्तीफा मांगेंगे। दूरबीन से अपराधियों को देखने वाले कैसे ठीक कर देगा? ये स्पष्ट नहीं कर पाया। ये तो खुली धमकी दे रहे हैं, ये तो खुली धमकी दे रहे हैं जावेद। IPS कहाँ पर छिपा है? कानपुर में संजीत यादव का शव बरामद हुआ, जावेद भाई, जावेद भाई, जावेद भाई, जावेद भाई, जावेद भाई, सुधीर जी कह रहे हैं अजय मिश्रा टेन ही आपको ठीक कर देंगे, ये क्या बात होती है? अजय मिश्रा का जनपदीय वोटों की इतनी भरमार करेगा कि वहाँ एक सीट भी समाजवादी पार्टी को अन्य दलों को नहीं मिलने वाली। सुधीर सिंह जी और अजय मिश्रा ये चुनौती हत्या की दे रहे हैं, अजय मिश्रा से कह दो मेरी हत्या करा दे, मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको सुधीर सिंह, अरे हत्या करा देना, अपनी पुलिस से कह देना। हम लोग तो बैलेट बॉक्स देखते हैं, बैलेट बॉक्स, और जनता तय करती है, जनता आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि माननीय अजय मिस्टेनी जी का मुद्दा जो आप लोग बेवजह आप लोग उठा रहे हैं, आने वाले समय में जनता अपने माध्यम से बैलेट बॉक्स के माध्यम से कमल के फूल को इतना मोहर लगाएगी कि आप सब लोग सत्ता ठीक हो जाएंगे, दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने कहा है 2022 के बाद में आप लोग जिस प्रकार से कुंभकर्ण सो जाता है उस तरह से सो जाओगे, 6 महीने बाद जब नींद खुलेगी। अच्छा ये नहीं, अजय मिश्रा ऐसे ही समझाएंगे क्या, जैसे कल पत्रकार को समझा रहे थे आपने लाइव सुधीर जी, जैसे कल पत्रकार को समझा रहे थे अजय मिश्रा जी ने, आपको गौर से सुनिए, अजय मिश्रा जी ने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आए हैं, ऑक्सीजन प्लांट के संदर्भ में बात करो विकास। जावेद भाई प्लीज, आ रहा हूँ, जावेद भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जावेद भाई हाँ, जावेद भाई सवाल था मेरा, आप जैसे लोगों के लिए क्या जरूरत भाई, आप लोगों को तो आने सुधीर जी मेरा जवाब, सुधीर जी मेरा जवाब, नहीं नहीं मेरा जवाब दीजिए पहले, आपको निपटा देगी जनता ही, अरे ठीक है पहले आप मेरा जवाब दीजिए, पहले मेरा जवाब दीजिए, जैसे लोगों को लिए जनता ही काफी है, नहीं मैंने जो पूछा वो जवाब दीजिए पहले, जैसे पत्रकारों को कल समझाया उसी तरह से जावेद भाई को समझाएंगे। जावेद भाई क्या है, क्या है भाई, जावेद भाई तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कुछ बात होगी पार्टी में होगी, हमारे 2022 के चुनाव में होगी। अच्छा 2022 के चुनाव में जब आप आएंगे, जब आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा जो लखनऊ कमिश्नरी से लेकर के और फैजाबाद कमिश्नरी कानपुर, नहीं ये जवाब नहीं था, ये जवाब नहीं था, नहीं नहीं सुधीर जी ये जवाब, ये जवाब नहीं, मैं जो पूछ रहा था वो जवाब आपने नहीं दिया। बताओ किस चौराहे पर किस
रोशनी जी क्या कह रहे हैं? क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई, क्या कहने, हत्या करने कराने का काम इसका ठेका समाजवादियों ने रखा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी हत्या कराने का काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी बैलेट पे यकीन करती है, जनता पे यकीन करती है, जनता के फैसले पे यकीन करती है। आने वाला समय जनता पे बताएगा 2022 में, जब आपको ईवीएम के ऊपर अभी शक होने लगा है, कांग्रेस पार्टी के लोगों को ईवीएम। ठीक है, ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, रोशनी जी, रोशनी जी, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग शांत रहिए, जावेद भाई और सुधीर जी, जावेद भाई सुधीर जी शांत रहिए, रोशनी जी कुछ कह रही है, रोशनी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रही हूँ सुधीर जी के ऊपर जो भाजपा का सत्य का नशा दिख रहा है वो जनता बहुत अच्छे से देख रही है। ये कह रहे अजय मिश्रा की तरह सबको ठीक कर देंगे, विधानसभा के चुनाव के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कह रहे अजय मिश्रा सबको ठीक कर देंगे। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, अजय मिश्रा ही इनके लिए काफी है। उनके उनके विधानसभा लोकसभा में और लखनऊ कमिश्नरी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मेरा दावा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की एक सीट का भी दर्शन हो जाए कहीं पर, एक दर्शन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, रायबरेली बचा नहीं पाओगी, अमेठी बचा नहीं पाई, सुल्तानपुर बचा नहीं पाई आपके पास। अरे बोलने तो दीजिए सुधीर जी, सुधीर जी, सुधीर जी बोलने तो दीजिए भाई, कांग्रेस कमजोर है तो ऐसे चुप करा देंगे आप। माफी मांगेगी नहीं अगर मोदी जी टेनी जी को बर्खास्त कर देते हैं तो सुधीर जी माफी मांगने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, क्यों बर्खास्त कर देंगे अगर उनको लगेगा कुछ? अरे अगर कर दिए, ये हमारी पार्टी का विषय है, प्राइम टीवी के डिबेट में, ये हमारी पार्टी का विषय है, आप लोग बेवजह कर। अरे मोदी जी ने जिस तरह से माफी मांगी पूरे देश के सामने, अगर टेनी जी को भी बर्खास्त कर देंगे तो सुधीर जी माफी मांगेंगे या नहीं प्राइम टीवी डिबेट पे? क्यों हाँ या ना बताइए, आइए बताइए हमको कि टेनी जी, अरे हाँ या ना बताइए, नहीं नहीं आप बताओ ना, अभी आप फेर लबिये का प्रचार कर रही थी, अब फिर फेर लबिये में क्यों चले गए भाई का प्रचार कर रही थी, अब आप माफी नामे के प्रचार कर रही है, आपके पास में कोई विषय है? लेकिन रायबरेली में आप क्या कर रही बताइए, रायबरेली में सोनिया जी कब से नहीं गई अपने क्षेत्र में बताइए, अमेठी में राहुल गांधी का क्या हाथ हुआ बताइए आप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव करीब है और ऐसे में राजनीतिक दलों से एक अलग जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं दूसरे राजनीतिक दलों को अपने साथ लाने की, और उसी कड़ी में 5 साल बाद परिवार की लड़ाई आखिरकार आज खत्म हो गई और अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव मुलाकात करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राजनीतिक दल जो विपक्षी हैं वो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव का समीकरण कितना बदलेगा, किन सीटों पर बात होगी और कितनी सीटों पर बात होगी। दूसरी तरफ विपक्षियों की बात क्या बीजेपी मानती है, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी होती है, ये देखना है। मैं आज के डिबेट में इतना ही, मुझे जन्मति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।